बहुत सारे लोग ऐसे जो पटवाई की तैयारी कर रहे थे, उनको भैया ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि यार सर हम यार पटवाई की तैयारी कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद का क्या सिस्टम है, तो अभी से बता दूं आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। और नहीं भी हो मान लो पटवाई की तैयारी करने वाले थे, ये चीज़ जान लोगे तो क्या अजरन हो जाएगा कि भैया पेट खराब हो गया, 3-4 दिन तो रोटी नहीं खवाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा बड़े शांति इत्मीनान से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब करना, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे पटवारी में सिलेक्शन होता है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। तो भैया देखो मान लो थोड़ी देर के लिए आप पटवारी में सिलेक्ट हुए, ठीक है, आज आपका रिजल्ट आगा, वाकायदा गाँव में आधा 1 किलो 1-2 क्विंटल मीठे बांट देगा, भैया छोरा पटवारी बन गया, छोरी पटवारी बन गए, बहुत शानदार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आने के 2-4 दिन बाद आपका बकायदा सरकार का जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, जैसे गजट वगैरह ये सब आते हैं, राजपत्र कना कई चीज रापट टोले बहुत होते हैं, तो उसमें आपका वो नाम आता है, आपका नाम कैसा, आपका नहीं आएगा, जितने भी लोग आपके जिले से पटवारी बने या आपके एरिया से पटवारी बने उन सबकी एक लिस्ट आती कि ये लोग पटवारी में सिलेक्ट हुए, और उसी में लिखा रहता कि इस दिनांक को इतनी बज के इतनी बजे नहा धो के बढ़िया अगरबत्ती लगा के बढ़िया सब चकाचक होके और कहाँ आना आपको भैया, इस डेट पे इतनी बजे यहाँ पे आना है आपको, मतलब एक जगह बुलाते हैं वो अंदरूनी जगह का ना, कहाँ जगह बुलाते हैं, तो वहाँ जगह बुलाते भैया, वहाँ का ही के लिए बुलाते हैं, वहाँ मुजरा करने नहीं बुलाते, वहाँ जगह इसलिए बुलाते हैं आपको कि वहाँ पे बाकायदा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, समझ में ही बात को। हाँ तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको कहाँ बुलाएंगे, एक कॉलेज में बुला लिया, ठीक है, हो सकता है आपके जिले के कॉलेज में बुला लिया, और कोई की जगह बुला लो, देहरादून बुला लिया, IAS की ट्रेनिंग करवा देंगे, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, पर मान लो आपके कॉलेज में बुला लिया, आपके जिले के कॉलेज में बुला लिया, तो आपके जिले के कॉलेज में क्या करना पड़ेगा भैया, वहाँ जगह तो वहाँ आपको बाकायदा जाना और वहाँ जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारी विश्व सुंदरिया और विश्व सुंदर दिखेंगे, मतलब बहुत सारे पटवारी जो बने हैं और बनने वाले हैं और कना कौन कौन है जो सब दिखेंगे वहीं पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग तो रिश्ते तय कर लेंगे कि हाँ बस हो गई सेटिंग अपनी, तो और बहुत सारे लोग जो दोस्त बना लेंगे जिनको लड़के से डर लगता है, अरे भाई कौन बात करेगा, तो वो बाकायदा दोस्त बनाए थे, बुलाओ भैया तुम्हारा नंबर दे, तुम्हारे जिले में कभी काम आएंगे, तुम्हारे तहसील में काम आएंगे, ऐसा रहता है। लेकिन मेन काम क्या होता है, तो बाकायदा जैसे ही सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, एक क्लास में बैठ जाओ, ठीक है, नहीं आ रहे दूसरी क्लास में बैठ जाओ, उसके बाद सर मैडम आते बाकायदा और सब बच्चों के एक एक से डॉक्यूमेंट चेक करते, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करते, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है कि भैया तुम्हारा आधार कार्ड में गड़बड़, तुम्हारा फलाना गड़बड़, ठिकाना गड़बड़, तो सही करके लाओ, और नहीं है तो बाकायदा एक छिल ठप्पा लगाएंगे, पास बस खत्म, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में क्या होता है भैया, तो आपको 3 लेटर मिलते हैं वहीं पे, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कि इस बंदे के इस बंदी के डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही साठ है, ये योग्य है, बिल्कुल विवाद मतलब विवाह नहीं वो कर दो, इनको पटवारी बना दो, ठीक है, इस टाइप का सिस्टम रहेगा। दूसरा लेटर, दूसरा किसका मिलता है भैया, ट्रेनिंग का मिलता है, ट्रेनिंग का कैसा भाई साहब, अभी क्या चल रहा था, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, दूसरा फेज होता है भैया आपका किस चीज़ का, ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग का बताता हूँ मैं आपको, ट्रेनिंग में आपका फिर वापस लेटर मिलेगा, उस लेटर में क्या होगा, ऐसा जो वो लेटर मिलेगा उसमें बकायदा डेट और पता और जो भी जानकारी, वो सारी जानकारी देगी कि आपको इस डेट को इतनी बजे यहाँ धो नहा धो के यहाँ यहाँ आना है, तो आप वहाँ चले जाओगे, वहाँ आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग कितनी होगी भैया, ट्रेनिंग बकायदा होगी 6 महीने की। अब 6 महीने में क्या क्या होगा वो सारी चीज़ बता दो, उसके पहले एक जानकारी देखो, इधर 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 कहीं ना कहीं पर आता होगा अनएकेडमी का एक सिस्टम, मेरी प्रोफाइल आ रही होगी, ठीक है, तो कोई व्यक्ति ऐसा जो MP पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि भाई साहब हमको MP पढ़ना है यार, हम MP कहाँ से पढ़ें, तो देखो पढ़ना तो बुक से है लेकिन आपको टेस्ट लगाना होगी, MP सब्जेक्ट का टेस्ट, क्योंकि MPPSC में बहुत आता है, पटवारी में आता है, सब जगह MP आ रहे हैं, कहना कक्का कितनी जगह भैया यार, तो MP पढ़ने का मन हो तो मेरे से पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आओ बढ़िया इज्जत से एकदम तरीके से पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भैया 6 महीने में हमको क्या क्या सिखा देंगे पटवारी में, तो 6 महीने कि आपकी ट्रेनिंग होगी जिसमें से 4 महीने 4 महीने 10 बजे से 5 बजे तक 4 महीने तक तो आपका एक ही रूटीन रहेगा, सुबह 10 से 5 शाम के 5 तक आपकी क्लास लगेगी बस। हाँ पढ़ाएंगे वहाँ, यहाँ पढ़ ले तो क्या तुमको परम ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तुम बुद्ध तुम ही बन गए क्या, वहाँ पढ़ाएंगे तुमको 10 बजे से 5 बजे तक रोज पढ़ो, ठीक है, ट्रेनिंग में पढ़ाएंगे, क्योंकि पटवारी को वहाँ पे हवाई जहाज उड़ान सिखा दे, हाँ पटवारी बन गए चलो हवाई जहाज उड़ाओ तुम, तो कहेगा भैया हवाई जहाज उड़ाना वहाँ पे पढ़ो, तो 10 से 5 पढ़ाएंगे बाकायदे 4 महीने तक यही चलेगा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद 2 महीने बच्चे उनमें क्या करवाएंगे, 2 महीने में क्योंकि चलो अब जमीन नापने चलेंगे, कहाँ चलेंगे बल्ली पे चलेंगे, ठीक है, तो बल्ली बल्ली घुमाएंगे तुमको, जमीन नापना सिखाएंगे, ये देखो इधर से ऐसे ऐसे बस जमीन नापना सिखा देंगे, तो ये होगी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट आपकी। ट्रेनिंग में भैया हम रहेंगे कहाँ जगह, तो बाकायदा हॉस्टल रहता है, इतना घबराओ मत, हटिक में मरा मत जाने का, अरे यार हम तो रहेंगे कहाँ जगह, जंगल में रहना, जंगल में ही वहाँ जगह सारी व्यवस्था रहती है, ठीक है, तो बाकायदा हॉस्टल रहेगा लड़कियों के लिए अलग, तुम ही नंग रहे हो और लड़के तुम ही नंग रहे हो, जहाँ भी रख दे यार, मे को थोड़ी व्यवस्था थोड़ी जमा कराया वहाँ पर, हॉस्टल रहेगा तुमको रहने की व्यवस्था रहेगी। भैया खाने का क्या, हमको टिप्पण मंगवाना पड़ेगा क्या, टिप्पण नहीं मंगवाना पड़ेगा, मेस रहता है वहाँ जगह, ठीक है, तो मेस बाकायदा 200-400 लेंगे महीने के, तो मेस पे आपको खाना अवेलेबल हो जाएगा, हॉस्टल हो जाएगा और क्लास रहेगी 10 से 5 जाओ और पढ़ के जाओ। अब बहुत सारे लोग ऐसे, अरे भैया हमें काम करेंगे छुट्टी ले लेंगे कभी तो ट्रेनिंग में, हाँ हाँ दौड़ता, बहुत लोगों का दिमाग दौड़ता, तो छुट्टी वाला वीडियो जस्ट इसके एक अगले दिन आएगा, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, लेकिन अभी तो ये देख लो, ठीक है भैया अब यहाँ तक की हो गई प्रोसेस कि हमने कर लिया ट्रेनिंग। तीसरा लेटर किस बात का मिलता है ये बताओ तुम, तो तीसरा लेटर अभी तक नहीं बताया तुम, तीसरा मिलता किस बात का ये बताओ, फालतू दिमाग खराब कर दिया बीच में ना कंका की बात सुना के। तीसरा लेटर मिलता आपको ज्वाइनिंग का,
ज्वाइनिंग मतलब समझते हो ना भैया, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग हुई है अभी, तो ज्वाइनिंग किधर से हो गई? तो ये बता, ट्रेनिंग के दौरान पैसे मिलते कि नहीं मिलते पटवारी को? बाकायदा मिलते हैं, मैं बता जितने बड़ा आदमी पैसे मिलते हैं उनको, भले पूरी सैलरी मिले आधी मिले कितनी मिले, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे किसी भी चीज़ का आपको सबूत कैसे कि आपने आपको हाँ जो ट्रेनिंग पे आया था और ज्वाइन कर लिया और आपको सैलरी दे देंगे? तो आपको ट्रेनिंग का लेटर अलग होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग होता है, और तीसरा होता है ज्वाइनिंग का कि आपने इस डेट से आके ज्वाइन किया था तब से आपकी सैलरी स्टार्ट। जो हुर्रे मजे आ गए ट्रेनिंग में। ठीक है, तो आपको ऐसे सैलरी मिलने लग जाती है, तो वो ज्वाइनिंग लेटर रहता है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन ज्वाइन किया ना ट्रेनिंग पे उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो रहता है, तो वो ले लेना, नहीं तो पता चला बाद में अरे साहब मेरे पैसे नहीं आ, पैसे नहीं आ, तुमने लेटर ही नहीं लिया, लेटर ले लेना। ठीक है, तो तीन लेटर लेना हम जगह है, ये सारा सिस्टम रहता है। और किसी को और चीज़ जाननी हो पटवारी बता दो, ये बता दो, वो बता दो, हमको सब बता दो, हम तो करना क्या कर देंगे, तो मेरे चैनल पर जाओ, जमाने की चीज़ बता दी जमाने की। और कमेंट सबसे बढ़िया कमेंट करना कौन सी चीज़ पर कौन सा वीडियो चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, चाहे कोई सा ही हो, बस पढ़े लिखे का पूछ लेना, सर हम तो ये डांस करना कैसे सीखे, तो डांस सर खुद परेशान, सर कोई नहीं आया डांस करना। ठीक है, ये चीज़ है, तो कमेंट करके बताना बाकायदा कि कौन से टॉपिक पर किस चीज़ को आपको क्या जानना है भैया। ठीक है, बाकायदा इज्जत से। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अनअकैडमी पढ़ने आओ, हम जब पढ़ा रहे हो, और क्या चाहिए, पुरस्त में होता जाओ वहाँ जगह, नहीं तो हाथ चल रहे हो रोड पर देखना भसड़ा नहीं जाए एक आधा इधर उधर, वो अलग बात है, लेकिन पुरस्त में हो तो जरूर आऊँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने लास्ट तक मुझे झेला, इसके लिए मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।